अभी सुबह की 8:21 हुई है, 12 सितंबर थर्सडे, 12 सितंबर थर्सडे सुबह 8:21 हुए हैं। एंड इट्स वीकली एक्सपायरी भी, आज वीकली एक्सपायरी है, और इस सीरीज़ की एक्सपायरी की भी का पहले वाला वीक है। अगले वीक हम एक्सपायर भी हो जाएंगे इस सितंबर सीरीज़ से। सितंबर सीरीज़ की जो मंथली एक्सपायरी है वो 26 तारीख को है। सॉरी सॉरी, अभी 2 वीक है, एक्सट्रीमली सॉरी। इस सीरीज़ की आज वीकली एक्सपायरी, एक्सट्रीमली सॉरी। अगले वीक नहीं, अभी 2 वीक है। तो आज वीकली एक्सपायरी है, और SGX निफ्टी काफ़ी ऊपर दिखा रहा है, कुछ 34 पॉइंट ऊपर खुलता हुआ दिखा रहा है, 11,071 का रेंज दिखा रहा है। तो सबसे पहले तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये जो भी एक्सपायरी वगैरह जो भी दिखा रहे हैं उसको मैं नहीं जाता हूँ, मैं जाता हूँ अपने हम लोग जो एनालिसिस करते हैं उस पर, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ FI डाटा से, FI डाटा के फिगर कल बहुत दिन के बाद पॉजिटिव आए, लेकिन बोलते हैं बहुत सारी ब्लॉक डील थी कल इसमें इन्वॉल्व, फिर भी, और DI भी ब्लॉक डील में इन्वॉल्व था कल। तो 266 करोड़ FI ने कैश मार्केट में बाई किया है, और जो डोमेस्टिक फंड्स है उन्होंने 1132 करोड़ का कैश मार्केट में बाई किया है, यानी कि दोनों मिला के अगर जोड़ो तो 1300 करोड़ का बाइंग हुआ कल नेट कैश मार्केट में। और इंडेक्स फ्यूचर में FI ने 40 करोड़ का बाइंग किया है, और इंडेक्स ऑप्शन में FI ने 789 करोड़ का बाइंग किया है, और स्टॉक फ्यूचर में उन्होंने 498 करोड़ का बाइंग किया है, और स्टॉक ऑप्शन में उन्होंने 38 करोड़ का सेल किया। तो नेट नेट हम इससे एनालिसिस कर सकते हैं कि बहुत अच्छी बाइंग हुई है, और बाइंग होना भी स्वाभाविक है। कुछ और एक कारण बताता हूँ आपको, कि जैसा कि मॉनसून डिपार्टमेंट मैट इस बार बोल रहा था कि इस बार मॉनसून लेट आएगा, और लेट आया भी, और उनको एक्सपेक्टेशन था द रेनफॉल विल बी बिलो नॉर्मल एंड इट विल बी अराउंड 70-80%। नॉर्मल जितनी रेन होती, रेनफॉल होती है, उससे 70-80% ही रेनफॉल होगी, उनका अंदेशा था, उनको ऐसा लगा था। लेकिन अगर आप देखो तो अभी सितंबर मंथ चल रहा है और भारी बारिश हो रही है। आज गुजरात में, यानी कि सूरत में जहाँ मैं बैठा हूँ, वहाँ तो इतनी तेज़ बारिश है कि अभी मैं बस जस्ट ऐसे थोड़ा सा बाहर निकला था तो मेरे घुटनों के ऊपर तक पानी था आज, और वो मैंने सूरत में कम से कम पिछले 4 साल में कभी नहीं देखा, सूरत में एटलीस्ट। कहीं और देखा होगा लेकिन यहाँ नहीं देखा, वो भी मेरे जहाँ मैं रहता हूँ उस एरिया में, तो वहाँ पे भी पानी भर गया। इतनी बारिश, रात भर से बारिश हो रही है, और अभी भी सुबह भी बहुत तेज़ बारिश है, तो सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। बल्कि बारिश नॉर्मल से भी 20-30% ज़्यादा है, बल्कि डबल बोल सकते हो आप। ये एक फैक्टर, जो मॉनसून कम रेनफॉल आने वाला था वो उससे ज़्यादा आ रही है, ठीक है। यानी कि ओवरऑल एग्रीकल्चर सेक्टर में डिमांड बढ़ेगी, तो ये ट्रैक्टर वाले सेक्टर जैसे एस्कॉट है, आईचर मोटर है, इनमें फिर से डिमांड आएगी, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। और दूसरा आप देख लो, मैंने आप लोग को बहुत बार बोला कि 42 से 48 दिन मैक्सिमम एक मंदी चलती है, उसके बाद एक रिवर्सल जरूर आता है, उसको तेजी नहीं बोलते लेकिन रिवर्सल आता है। तो ये आपको प्रमाण कर देता हूँ, एग्जैक्टली 5 जुलाई को जो बजट का दिन था, ये 5 जुलाई की कैंडल है, वहाँ निफ्टी 11,981 था, 11,981 का हाई था बजट वाले दिन 5 जुलाई का। वहाँ से हम दिन जोड़े एक दो ऐसे करके, तो एग्जैक्टली यहाँ ख़त्म हो रहे हैं 42 दिन इस कैंडल पे। इस कैंडल का लो है 10,746, कितना था, 10,746। इस कैंडल पे हम 42 दिन ख़त्म कर रहे हैं, दिस कैंडल। आप चेक कर लो गिन के भी, मैंने बोला 42 ट्रेडिंग डेज या 48 मैक्सिमम, एक्सेप्ट 2008 जहाँ मंदी 10 से 11 महीने चली, जो मैंने आप लोग को कई बार कई वीडियो में बोला। तो यहाँ मेरा प्रमाण मैं आपको देना चाहता हूँ, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मैं बहुत होशियार हूँ, बट मैं दिखाना चाहता हूँ, जो लोग मेरे बारे में कुछ टिप्पणी भी करते हैं तो उनको एक और चीज़ बताता हूँ कि उनके हिसाब से मेरे YouTube फॉलोअर्स घटे, तो आपको बता दूँ
आज के 3 दिन पहले 10,786 फॉलोअर थे, आज के 3 दिन पहले, जस्ट 3 दिन पहले। इसका प्रमाण फेसबुक पे मैंने पोस्ट भी डाला था कि 10786 लक्की नंबर, ठीक है, 3 दिन पहले ही। और आज चौथा दिन है 11,255, यानी इतने फॉलोअर्स बढ़े, यानी कि मैं आई एम डूइंग गुड फॉर पब्लिक, और मैं चाहता हूँ मैं ऐसा ही करता रहूँ। मुझे कोई शाबाशी मत देना, बल्कि आप मेरी बुराई करते रहो, उससे मुझे और प्रोत्साहन मिलेगा, और हो सके तो गाली भी दो। तो ये देखिए दोस्तों, ये पूरे एग्जैक्टली 42 दिन आपको काउंट करके दिखा दो, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा। एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार कैंडल, पांच कैंडल, छह कैंडल, सात कैंडल, आठ कैंडल, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144,
10,746 से हम कल 11,060 तक पहुंच गए। तो ये हो गया, यहाँ से देखिए रिवर्सल चालू हुआ और कुछ बाइंग FIs की भी चालू हुई। तो ये आपको एक प्रमाण दिया मैंने, ये कभी भी आपके लिए काम की चीज़ें सीख लेना इसको। 42 से 48 दिन मैक्सिमम कोई भी ट्रेंड चलता है एक कंटिन्यूएशन में, उसके बाद वो ट्रेंड एक बार ब्रेक होता है फिर से रीजनरेट हो सकता है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक बार ज़रूर ब्रेक होगा। अच्छा, तो ये प्रूफ किया आपको। अब दूसरा, अगर हम इसको मंदी का माने, ये 12,103 को मैं हाई नहीं ले रहा हूँ, मैं किसको हाई ले रहा हूँ, 10,981 को, जो उस दिन बना था 5 जुलाई को ये वाला, और वहाँ से हम गिर गए थे 10,637 तक, याद है ये। तो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट मैंने ड्रॉ किया, इसमें जो 38 पॉइंट मैंने बोला ना आपको फिबोनाची जब सिखाया था वीडियो में, तो ये दोनों फिगर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, 38.2% रिट्रेसमेंट और 61.8, ये दोनों। तो अभी 38.2 जो आ रहा है रेजिस्टेंस वो 11,149, और आप देख लो यहाँ पे इंडेक्स ने एक ऑलरेडी एक हाई बनाया था, इस जगह 141 का हाई बना था, आपको याद होगा। तो ये रेजिस्टेंस का काम अभी भी करेगा, और मुझे लगता है यहाँ से फिर से मार्केट नीचे ही आ जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। अगर गया भी तो इससे ऊपर नहीं जाएगा एक बार, और इसके मैं तेज़ी तभी करूँगा जब ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर जिसकी मैं बात कर रहा था, क्योंकि ये जो क्लोजिंग है ये 14,500 की जो लो था, 14,500 का लो वो 11,108 था। तो अब ये बेस का काम करेगा, इसके ऊपर जिस दिन दो क्लोजिंग आ जाएगी, इस लो के ऊपर 11,108, इसके ऊपर जिस दिन भी 11,108 का लेवल है, 11,108 का लो है, 14,500 का ऐसा 14 मई का, आप चेक कर लेना। इसके ऊपर अगर निफ्टी दो बार क्लोज कर दिया, दो बार निफ्टी याद रखिए, 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग कंसेक्यूटिव, तब मैं सीधा 11,600 के लिए खेलूँगा। कितने के लिए खेलूँगा? 11,600 के लिए, अगर दो बार कर पाया। और अगर एक क्लोजिंग दिया और नीचे आ गया तो मैं फिर से मानूंगा कि रैली फिर से बियर्स के हाथ में चली जाएगी। ये आपको मैंने कई वीडियो में बोल चुका हूँ, मैं अपनी बात से चेंज नहीं हो रहा, पहली बात। और दूसरी बात, एक्चुअल जो तेज़ी आएगी वो आएगी 11,141 के ऊपर की क्लोजिंग पे। क्यों? क्योंकि इनवर्स हेड एंड शोल्डर जो बन रहा है उसका जो नेक लाइन जो मैंने इनवर्स हेड एंड शोल्डर को स्पॉट सबसे पहले पूरी इंडिया में शायद मैंने किया था यूट्यूब के अंदर, तो ठीक है। ये जो नेकलाइन है इसकी हेड एंड शोल्डर की, ये आ रही है 11,141 में नेकलाइन आ रही है इनवर्स की। इनवर्स कैसे हुआ मैं आपको फिर से एक बार दिखा दूं, आपको याद ताज़ा हो जाए, है ना। वीडियो को बोर मत समझिएगा, आपके सीखने के लिए इतना माथा लगा रहा हूँ, वरना मुझे मेरा सर तो कल से भी दुख रहा है, ठीक है। बट बहुत ये समझ लीजिए, अब मेरा उद्देश्य एक ही है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीखो और फ़ायदा उठाओ। ये एग्जैक्टली अभी तक यहाँ तक पहुँच गया है शोल्डर, जिस दिन ये शोल्डर यहाँ टच करके
इसके ऊपर की क्लोजिंग दे दिया क्रॉस ब्रेकआउट, इसको बोलते हैं ब्रेकआउट। तो ये अगर ब्रेकआउट जिस दिन दे देगा, तो इस 11,141 से 637 माइनस करिए, लगभग कितना होता है 504 पॉइंट, 11,141। ये हेड की साइज़ जो हो जाएगी 11,141 से 637, है ना, यही है ना, लो 637 का है और हेड का हाई 11,141 का है, तो 504 पॉइंट और ऊपर जा सकता है उसके बाद इससे, अगर ये ब्रेकआउट आता है इसके ऊपर 141 के ऊपर, तो फिर 504 पॉइंट आप इसी महीने में देखोगे और जाते हुए। तो अगर 11,141 में 504 पॉइंट जोड़ो तो 11,645 तक जाने की फिर निफ्टी ताकत रखता है इसी सीरीज में, इसी मंथ में, सीरीज नहीं मंथ, ठीक है, मंथ मतलब महीने का लास्ट ट्रेडिंग डेज, इस लेवल तक फिर निफ्टी आने की ताकत रखता है अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट आता है। ब्रेकआउट मतलब इस लेवल को तोड़ दिया था 11,141 को, तो ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट हो जाएगा। ये हो गई तेजी की बातें। लेकिन अब आ जाते हैं हम, कल मैंने क्या बोला था वीडियो में, जबकि आज SGX निफ्टी कुछ 34-35 पॉइंट दिखा रहा था जब मैंने वीडियो टीवी देखा था, तो मेरे मैं लेवल्स आपको फिर से याद दिला दूं कल आज के लिए जो मैंने दिए थे। मशीन लर्निंग एंड AI एज अ फील्ड हैज ग्रोन इमेंसली ओवर द पास्ट 5 इयर्स एंड 90,000। जय जिनेंद्र, जय 11,055 के ऊपर निकल गया जो आज का है। ये देखिए, ये एक पहले आप पढ़ लीजिए इसको अच्छे से, वापस आपका याद ताजा हो जाएगी। टुमारो इफ निफ्टी स्पॉट गोज अप क्लोजिंग टूडेज हाई ऑफ 11,055 देन इमीडिएट रेजिस्टेंस, जो अगला पड़ाव जो होगा निफ्टी का स्पॉट का, वो 11,073 पे एक रुकावट आएगी। कितने पे आएगी? 11,073 पे एक रुकावट आएगी। आपको यहाँ थोड़ा सा हल्का हो जाना, या फिर अगर जो रिस्क टेकर है वो यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन भी ले सकते हैं इस लेवल पे। शॉर्ट पोजीशन अगर लोगे तो आपका बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए 11,120, क्योंकि 8 अगला रेजिस्टेंस है, इससे 10 पॉइंट का आप बफर ले लो। अगर इसके नज़दीक आपको या तो पोजीशन निकाल देनी चाहिए, शॉर्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप शॉर्ट कर रहे हो स्पॉट के लेवल से तो आपको स्टॉप लॉस रख देना चाहिए। अगर रिस्क टेकर है आप तो यहाँ शॉर्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, और करने के बाद आपका लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा 11,108 प्लस 12 पॉइंट, यानी कि 11,120 का, ठीक है। ये आपको मैं समझा दिया, और क्योंकि अगला पड़ाव इसका अगला रेजिस्टेंस 11,108 है, जो कि 14 मई का लो था, याद है। और शॉर्ट सेल एक्चुअल में कहाँ बनता है वो मैं बताता हूँ। ये हो गया ऊपर की लेवल्स की बात। टुमारो इफ, ये तो ये वाला आ गया, ये होगा सर, देखते हैं कहाँ है। टारगेट आपको कैसे पता चल गया मालूम है? सपोर्ट बिकम्स ए रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये देखिए कल के लिए, आज के लिए जो है, कल जो मैंने वीडियो डाला था आपको याद ही है, इफ निफ्टी स्पॉट ट्रेड्स अबव 11,052 फॉर मोर देन 15 मिनट्स देन बाई विथ ए स्टॉप लॉस ऑफ 11,028। अगर आप बाई करते हो, अगर इसके ऊपर चला जाता है तो आप बाई करना इंट्राडे में, बाई विथ ए स्टॉप लॉस ऑफ 11,020 एंड पहला टारगेट आपका रहेगा 11,073, सेकेंड टारगेट रहेगा आपका 11,108। इफ ट्रेड्स बिलो, ये देखिए, इफ ट्रेड्स बिलो 11,025 फॉर मोर देन 15 मिनट्स, अगर ये 11,025 के नीचे ट्रेड होता है आज दिन के दौरान, तब आप सेल करिए, सेल विथ ए स्टॉप लॉस ऑफ, अगर 15 मिनट से ज़्यादा है ना, तो सेल का स्टॉप लॉस आपका फिर हो जाएगा 11,055, और आपका पहला टारगेट आएगा 10,987। छोटा छोटा दे रहा हूँ क्योंकि कल निफ्टी एक रेंज बाउंड था 42 पॉइंट का, 10,987 का पहला टारगेट रहेगा। चलिए मैं इसको वैसे दिखा देता हूँ आपको, इसको मैं एक बार जूम को ऑफ करता हूँ तो आपको ये क्लियर दिख रहा होगा। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए एक बार, लेकिन ये 15 मिनट्स वाली बात ही हमेशा याद रखनी है, ट्रेड इतना देर करना चाहिए उसके बाद, है ना। तो ये आपके लिए क्लियर कट है व्यू आज का, इसको आप चाहो तो फोटो खींच लो। अब आ जाते हैं
ये जो चार्ट है इसमें भी देख लीजिए आप, फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर 11141 को पार कर देता है, यानी कि 149 आपके सामने 38.2% आ रहा है जो मैंने निकाला था, है ना, तो 149 को क्रॉस कर देगा तो ये अगला पड़ाव इसका आता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट से 11308, और उसका अगला पड़ाव आता है 61.8% आता है 11467, और 78.6% आता है 11692। तो अगर ये ब्रेकआउट आया तो मैंने भी 11645 का टारगेट तो दिया ही है, तो हम यहाँ तक भी पहुँच सकते हैं 692 तक। इससे ऊपर जाने की तो मुझे कोई संभावना लग नहीं रही है, कम से कम सितंबर में तो ठीक है, ये हाईएस्ट मैं बोल रहा हूँ, ये जब होगा तब इसके ऊपर का ब्रेकआउट आएगा, और या फिर 11108 के ऊपर की दो क्लोजिंग आएगी जो कि 14 मई का लो था, क्योंकि देखिए चार्ट इसके बाद ख़राब हुआ, ये पीछे का एक सपोर्ट यही था, इसके बाद नीचे ही ये चार्ट एक अलग पैटर्न बन गया, आपको दिखा देता हूँ। तो ये चार्ट ऐसे चल रहा था, है ना, ऐसे चल रहा था, ऐसे चल रहा था, ऐसे चल रहा था, यहाँ एक प्याला इसका ख़त्म हो रहा है, देखिए एक एक सर्कल इसका यहाँ ख़त्म हो रहा है ना, ये सर्कल 11149 पे ख़त्म हो जाता है, और एग्जैक्टली ख़त्म होता है यहाँ पे 11108 पे, क्योंकि ये लो यहाँ से मैच हो रहा है, ठीक है। इसके नीचे के तो सब मंदी बोल सकते हो आप, जब तक वापस इस जोन में नहीं घुस जाएगा तब तक आप तेजी एक्चुअली मानिए ही मत, बस ये मैं आपको सिखाना चाहता था, सिखा दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, और दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, दिल्ली में 15 तारीख को ट्रेनिंग है, 14 की मेरी फ्लाइट है, आई विल बी गोइंग टू दिल्ली ऑन 14। अगर आपको थोड़ी भी इच्छा है मुझसे ट्रेनिंग लेने की, मैं आपको इतना वादा जरूर कर सकता हूँ कि पैसा वसूल नहीं, पैसा आपका कितना गुना वसूल होगा आपको पता भी नहीं, इतना गुना वसूल होगा अगर इस ट्रेनिंग में, मैं अपने आप को पूरा झोंक देने वाला हूँ, और मैं इंडिकेटर्स को तो आपको शायद जो RSI, MACD और स्टॉकेस्टिक, बॉलिंजर बैंड और ये क्या बोलते हैं मूविंग एवरेजेस और ये सिंपल एंड EMAs, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, इनमें ज़्यादा टाइम कम वेस्ट करूँगा, आपको कुछ स्ट्रेटेजीज और कुछ टेक्निक सिखाने में ज़्यादा टाइम बिताऊँगा, ये मेरा वादा है। तो आप ये ट्रेनिंग कुछ यादगारी ट्रेनिंग होने वाली दिल्ली वाली, और प्राइस भी कम है, क्योंकि मैं पहले 25,000 लेता था और अब इस बार 17,000 रुपये ले रहा हूँ, ठीक है। तो आप आइए और देखिए, उसका फ़ायदा नहीं होता तो वहीं पे आप मेरे मैं नोट एक एक आप लोगों से आपका फीडबैक लूँगा कि ट्रेनिंग कैसे लिखित में लूँगा, है ना, तो आप उस समय लिख दीजिए कि आई एम सेटिस्फाइड और नॉट सेटिस्फाइड। तो ये मेरा वादा है, इट विल बी ए मैजिकल ट्रेनिंग आई एम टेलिंग, क्योंकि कुछ बहुत सारी स्ट्रेटेजीज मैं YouTube में नहीं डाल पाता हूँ, क्योंकि उसमें बहुत कुछ समझाना पड़ता है जो YouTube के एक वीडियो में मैं नहीं समझा सकता हूँ, तो वो वहाँ पे दूंगा मैं, ये मेरा वादा है, और आने वाली सब ट्रेनिंग में भी मिलेगा, और YouTube में भी डालने की कोशिश करूँगा, क्योंकि इतना डिटेलिंग मैं YouTube में नहीं डाल सकता हूँ। तो और प्लस मेरे विरोधी जो मुझसे सीख भी रहे हैं, डिसलाइक का बटन दबाते रहिए, क्योंकि आपका तो काम ही है। मैंने कुछ एक वीडियोज़ में देखा कि मेरा वीडियोज़ आया उसके पहले 19 लोगों ने डिसलाइक किया, उसके बाद एक्चुअल जो देख रहे हैं वो सारों ने लाइक किया, ठीक है। तो ये 19 लोगों को बोलता हूँ कि अगर तुम्हारे में थोड़ी भी हिम्मत है तो तुम इस लेवल से 50% लेवल का भी एक वीडियो बना के दिखाओ। क्रिटिसाइज करना बिल्कुल ठीक है, गुरु को क्रिटिसाइज करते हो तुम, गुरु की पदवी पर बैठ के देखो और तुम देखो कि इतने लोगों को संभालना और कहीं गलत नहीं होना ऐसे इम्पॉसिबल होता है, ठीक है। तो अपनी अंतरात्मा में जागो पहले, किसी और को क्रिटिसाइज करने से पहले। इट्स वेरी इजी टू क्रिटिसाइज मोदी जी, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर एंड ऑल, बट वो लोग जिस लेवल पे पहुंचते हैं ना, उसके लिए जो मेहनत है वो तुम्हारे दादाजी भी नहीं कर पाएंगे। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।